इन्होंने पब्लिक को इस तरह से निरादर किया है कि चुनावी मंच पर आकर आपकी समस्याओं की बात भी नहीं करते, ये नहीं बताते कि महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये नहीं बताते कि आज महिलाएं पंजाब में असुरक्षित क्यों हैं, ये नहीं बताते कि ये जो ड्रग्स और नशा का प्रॉब्लम है ये इतना बढ़ क्यों गया है पंजाब में, इन्होंने क्यों कुछ इसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कोई आपकी बात नहीं कर रहा है, आज जनता की बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपके सामने आकर कहती है कि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी में एक नेता है राहुल गांधी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला 4000 किलोमीटर और मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की 4000 और किलोमीटर सिर्फ आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और ये समझने के लिए कि कहां कहां अन्याय हुआ है और इस न्याय अन्याय को हम दुरुस्त कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा यही विचारधारा रही है कि सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, कि देश की जो संपत्ति है वो आपकी है, आपके लिए ऐसी प्रोग्राम ऐसी योजनाएं बननी चाहिए जिससे आप इन चीजों का सामना अपनी समस्याओं का सामना कर पाएं, यही हमेशा हमारी विचारधारा रही है।